इस आयत को देखें, खुदा की कसम, शान मुहम्मद अरबी, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शान है। अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना युबायउनका, जो लोग आपकी बैअत करते हैं, इन्नमा युबायउन अल्लाह, दर हकीकत वो अल्लाह की बैअत करते हैं। जो लोग आपकी बैअत कर रहे हैं, दर हकीकत वो अल्लाह की बैअत कर रहे हैं। देखिए दोनों जुमलों को समझिएगा। एक ये जुमला भी हो सकता है कि जो लोग आपकी बैअत कर रहे हैं गोया कि वो अल्लाह की बैअत कर रहे हैं, और एक ये है कि जो लोग आपकी बैअत कर रहे हैं दर हकीकत वो अल्लाह की बैअत कर रहे हैं। गोया के यहाँ नहीं है, तशबीह नहीं है, तमसील नहीं है, ये कुरान है। एक हर्फ की ज़रूरत थी, सिर्फ एक हर्फ की। अरबी में काफ तशबीह के लिए आता है, काफ तशबीह, लैसा कमिथलिही शय, ये काफ जो है। परवरदिगार फरमा सकता था कि इन्नल्लज़ीना युबायउनका कअन्नमा युबायउन अल्लाह, जो लोग आपकी बैत कर रहे हैं गोया के वो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। गोया के नहीं, एक काफ तशबीह की भी गुंजाइश नहीं है। जो लोग आपकी बैत कर रहे हैं दर हकीकत बस वो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ शक भी बाकी रह जाए तो अगला फिक्रा है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, ये अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। आपका हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। ये पैगंबर की शान है। पैगंबर कितना करीब है हक से कि एक काफ़े तशबीह का फसल भी दरमियान में नहीं। क्या बिला फसल जात है, जब मुस्तफा की जात की बुलंदी समझ में आ जाए तो उसकी बुलंदी में शुभा ना करना जिसे कुरान ही में नफ्से मुस्तफा कहा गया हो। पैगंबर किस मंजिल पर है कि एक काफ़े तशबीह भी दरमियान में नहीं है, है? और अली इब्ने अबी तालिब किस मंजिल पर है? मुबाहले की आयत को कुरान से निकाल न सके मुसलमान आज तक, हम कैसे तहरीफ के कायल हो जाएं? आयत मुबाहला पढ़ लीजिए, वानफुसना वानफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, हम अपने नफ्सों को लेकर, अपने नफ्सों को लेकर। अली नफ्स रसूल, और रसूल अब बिला फसल कलिमा समझ में आया। कदमों में गिरा, गिर के कहने का तू नफ्स से कैसे वाकफ है? अल सीने पे हाथ मार का अना नफ्सुल्लाह। कोई ना उठ से, अली अल्लाह का चेहरा है तो उससे ज्यादा प्यारा है। बाजुल्ला की दाढ़ी थी कि नहीं थी?
मैं तुझे फजाइल अली की झलक सुनाऊं। यहां पे फजाइल अली आके यहां पे मौलवी की आंखें बंद क्यों हो रही हैं, यहां पे आके मौलवी चुप क्यों हो रहा है, इस आयत का हमें तर्जमा क्यों नहीं बताता? खुदा कह रहा है इबलीस तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से? कुरान में आयत ना हो मैं इस चौक में गर्दन कटवाऊंगा। खुदा ने कहा मैंने आदम बनाया अपने दो हाथों से, अपने दो हाथों से, मुझे मस्जिद के मौलवी से लेके हौजा इल्मिया नजफ तक, या मुझे अल्लाह के हाथ दिखाओ या हाथों वाला अल्लाह दिखाओ, या अल्लाह के हाथ दिखाओ या हाथों वाला अल्लाह दिखाओ, या मुझे बताओ वो अल्लाह के हाथ कौन से है, या मुझे बताओ वो हाथों वाला अल्लाह कौन सा है। दुनिया की तौहीद मशकूक हो जाती अगर कूफे के मिंबर पे अबू तालिब का बेटा अली ना बोलता। अली ने कूफे के मिंबर पे अपनी आवाज को खोला, अपने दोनों हाथों को बढ़ा के कहा ये वो हाथ है जिन्होंने आदम की मट्टी को गूंदा था। कारे अबू तालिब ने सोचा अली तेरा रजब को फजर के वक्त आया, कहा चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं, अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उसे जाकर पूछूं कि बता तेरा रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम में अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ, क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही तेरा रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफतैन खोसा मुझे हैदरिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा फाड़ दिया, दूसरा लिया बनाया फाड़ दिया, तीसरा लिया बनाया फाड़ दिया, चौथा लिया बनाया फाड़ दिया। जब लाता दास जायचे बनाता रहा फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि तेरा रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा। हाथ बुलंद करके हैदरी, आलम यमानी उठ के खड़ा हो गया, बजमे को चीरता हुआ अली के सामने आके खड़ा हुआ। उसने कहा अच्छा अगर तूने अल्लाह देखा है फिर बता वो अल्लाह कहां रहता है। फरमाया वो हम में रहता है। फरमाया तुम कहां रहते हो? फरमाया हम उसमें रहते हैं। उसने कहा फिर तुम क्या और वो क्या है? फरमाया वो रहता है, हम रहते हैं। उसने कहा अगर तूने अल्लाह देखा है, अबू तालिब का बेटा मिंबर ना छोड़ना, ये दावा आदम ने नहीं किया, ये दावा नूह ने नहीं किया, ये दावा इब्राहिम ने नहीं किया, मूसा तूर पे जाता रहा, उसने नहीं कहा मैंने अल्लाह देखा है। पहली बार तूने कूफे के मिंबर पे बैठ के कह दिया तूने अल्लाह देखा है। अगर तूने अल्लाह देखा है फिर बता उस अल्लाह का कद कितना है, उस अल्लाह का चेहरा कैसा है, उस अल्लाह के बाजू कैसे है, उस अल्लाह का सीना कैसा है, बता कैसा लगता है। और जोर इधर देख, ऐसा लगता। मेरे आका ने हकल मारनी ए नल मोवना ज़ुल्फ़कार कंधे थे। अय्युह अन्नास ए लोगो, मन अरादा यंज़ुर इला आदम फ़तालौ हा अना आदम, जै आदम वेखना हो आ जाओ मैंने वेख लो। मन अरादा यंज़ुर इला नूह फ़तालौ हा अना नूह, नहीं है आखिरी लफ्ज में नाल आखड़। व मन अरादा यंज़ुर इला इब्राहिम फ़तालौ हा अना, नहीं सारे बोलो फहाना, सारे बोलो जिदे कोल जबान है, वरना मैं भी मशहदी हाँ अज तो बाद बोले दी नहीं, ये भी गरंटी है मिंबर ते हाथ रख बोलना इन्हें। फमन अरादा यंजुरा इला आदम फतालौ हाना आदम, व मन ता मन अरादा यंजुरा इला नू फतालौ हाना नू, फमन अरादा यंजुरा इला इब्राहिम फतालौ हाना, नहीं 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 अजय नहीं आवाज थोड़ी है, फहाना। व मन अरादा यंजुरा इला मूसा फतालौ हाना,
فمن اراد ان ينظر الى عيسى فتعالى هانا नहीं अपनी आवाज बुलंद करो फमन आरादा फतल हूं मेरे आका ने अंगड़ाई लेके पूरी कायनात के सामने वो जुमला आखना हलाल जादे अलहदा हो जाने ना हराम जादे अलहदा फरमावना تعالوا فمن اراد ان ينظر الى الله فتعالوا عن الله فرمان دے جائے اللہ نو ویکھنا ہوے آ جائے یا علی अल्लाह दा मुजस्सम तारुफ अल्लाह दा मेरे आले पास अल्लाह दा इहा वजह है कंजल मकनून च मुल्ला फैज़ काशानी लिखिया बुजुर्गो एक जुमले दी इजाजत मैं मिंबर छोड़न लगा कंजल मकनून किताब है केदी मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी दी मैं हवाले पीरां तू बचावण वास्ते पिया देंदा पीरां तो फतवे हट जाण लाने ने ना मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी ते लवे आए मुल्ला तो पुछे गए मुल्ला ने किताब च लिखे है कि अबू बसीर हैं छेवें आका दे कोल कदम चुमे मौला अल्लाह दा दीदार मुमकिन है ना 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 ना, ना। जब तक तवज्जो नाल नहीं सुनो दे मैं अगे नहीं वधा अल्लाह दा दीदार मुमकिन है फरमाया हाँ कदम चमकिया दे हल जराउल मोमिन यौमल कियामा क्या कियामत दिन मोमिन अल्लाह नु वेखेगा मेले मौला फरमेंदन आई वल्लाह हाँ अल्लाह दी कसम वेखेगा अबू बसीर हो गया मुतमैन मौला ने फिर मुस्करा के फरमाया फरमाया बल जराहुल मोमिन फी हाज़िह दुनिया फरमाया वो मोमिन ही नहीं है जड़ा इस दुनिया च अल्लाह नु ना वेखे जागया जगह आखिरी जुमला में मिंबर छोड़ लगा फरमाया वो मोमिन ही नहीं है जड़ा इस दुनिया च अपना अल्लाह ना वेखे अबू बसीर एक बारी परेशान हो गए अबू बसीर असदी जी पाक नालैन को मैं जे सैयद करोड़ सलाम कदम चमकिया दे मौला समझ नहीं आई मौला फरमाया नौन जरी लाई मैं दर वेख अबू बसीर निगाह चाके वेखी मौला फरमाया खा अल्लाह दी कसम क्या तू तो अल्लाह नु नहीं वेख रहा रहमान रहीम तमाम तर हमद की महवर है वो ज़ात तमाम तर सजूद की महवर है वो ज़ात जो छुप जाए तो दुनिया उसे अल्लाह कहे और जब जब जाहिर हो दुनिया उसे अलीउल अज़ीम कहे तमाम तर सजूद की महवर है वो ज़ात जो छुप जाए तो दुनिया उसे अल्लाह कहे और जब जब जाहिर हो दुनिया उसे अलीउल अज़ीम कहे। الحديث إن لنا مع الله حالات نكون فيها نحن هو وهو نحن إلا أننا نحن نحن وهو هو هذا الحديث أنا لم أره في كتبنا الشيعية لكننا نقبل الحديث من جهة المضمون قطعا هذا الحديث لن يكون من النواصب ولا من المخالفين شيء طبيعي مضمون الحديث نحن نقبله أنت الآن عندك هذا مفاتيح الجنان إذا تذهب إلى أدعية الشهر رجب اللهم إني أسألك بمعاني هذا الدعاء الذي يقرأ يوميا والذي فيه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا الدعاء معناه أوسع الحديث هنا يقول إن لنا مع الله حالات حالات الدعاء يقول لا فرق بينك وبينها دائما إذا هذا المعنى ثابت في جميع الحالات فمن باب أولى
حينما يكون الكلام في بعض الحالات. فنحن نقبل الحديث لموافقته لما جاء عن الإمام الحجة، هذا الدعاء منقول عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يعني ماذا؟ في أي بعد فارق آخر لا يوجد؟ الحديث في هذا الدعاء عن أي جهة أي بعد؟ الجواب عن جميع الأبعاد. لا يوجد نهائيا أي فرق بين الله عز وجل وبين أهل البيت إلا هذا الفرق، أنهم عبادك وخلقك. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: نحن معانيه، أي الله سبحانه وتعالى، وجنبه ويده ولسانه، ونحن وجهه الذي يتقلب في الأرض. هو علي بشر كيف بشر، ربه فيه تجلى وظهر. خدا در وجود امین انسان تجلی کرده و ظاهر شده. روزی که خلق کرد علی را به صورت ناس، خدای را همه دیدن در میان لباس. ها علی بشر کیف بشر، ها علی بشر کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر. که بشر می شود این گونه مگر، که بشر می شود این گونه مگر. ها علی بشر کیف بشر، ها علی بشر. پاسخ همون سوالی است که آیا خدا می تواند یک خدای دیگه مثل خودش خلق کنه؟ کرده، غافل. فقط فرقش یه که این خدا نیست، چون خدا خلقش کرد. بلا صفت همون صفت، علم همون علم، قدرت همون قدرت، اخلاق همون اخلاق. صفات خدا، رحم خدا، مروت خدا، کرم خدا، رحمانیت خدا چجوره؟ هر خدا بیاد را بره این حسین را می. این حسین خدای ظاهر است، او خدای غائب است.